नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मार्च नजदीक आते ही अवैध शराब का कारोबार खूब फल फूल रहा है। अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है और इसी क्रम में कोटद्वार क्षेत्र के ही कांडा खाल इलाके में चेकिंग अभियान के दौरान अवैध अंग्रेजी शराब की 45 पेटियों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि अवैध शराब परिवहन मैक्स को भी सीज कर दिया गया है। पुलिस द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई करने के बावजूद भी अवैध शराब माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। हमारी एसओजी टीम ने थाने के साथ मिलकर एक बड़ा आबकारी का एक बड़ा काम कर रखा है, जिसमें ये माना जा रहा है कि वो शराब अलग अलग जगहों पे बेचने के लिए लेके जा रही थी। तो अच्छा काम हमारी एसओजी टीम ने कर रखा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और इस प्रकार की कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। एग्जीक्यूटिव वो फैक्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये तय है कि इसको किसी एक बड़े जो उनका FL2 करके कोई स्टेशन होता है जहाँ से पिक करते हैं, वहाँ से किसी पर्टिकुलर शॉप के लिए ले जाना था, लेकिन ये उसको शॉप के पे न ले जा करके अलग अलग ड्रॉप करने के लिए ले जा रहे थे। ब्रांड उत्तराखंड की है, जो उत्तराखंड में सेल हो सकती है। उत्तराखंड के जोशीमठ में आई आपदा के लिए एक बार फिर से हरिद्वार जिला प्रशासन मदद के लिए आगे आया है और हरिद्वार से 5 ट्रकों में भरकर राहत सामग्री जोशीमठ भेजी गई है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर सभी ट्रक रवाना किए और DM विनय शंकर पांडे ने बताया है कि जोशीमठ में जिन आपदा पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है उनके लिए ये राहत सामग्री जो है वो भेजी गई है। आहत सामग्री इसको लेकर 5000 से ज्यादा राशन किट और 500 कंबल और इसके साथ ही दवाओं समेत कई रोजमर्रा के इस्तेमाल किए जाने वाले सामान शामिल बताए जा रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा केंदुरा ने बताया है कि हरिद्वार जिले की कई तहसीलों के अधिकारियों द्वारा समाज सेवी और इसके साथ ही धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से राहत सामग्री को इकट्ठा किया था और आगे भी जरूरत पड़ी तो आपदा पीड़ितों की जो हर संभव है वो मदद की जाएगी। जोशीमठ के बारे में आप सभी को जानकारी है और आज से करीब 20-25 दिन पूर्व हम लोगों की एक 5 ट्रकें गई थी राहत सामग्री की, उसी कड़ी में आज भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये निर्देश प्राप्त हुए थे और राहत सामग्री जा रही है। इसमें करीब 2552 लगभग 2500 के आसपास फूड पैकेट्स हैं। हर फूड पैकेट्स 15 kg के हैं, जिसमें ज़रूरत का जो रोज़मर्रे के सामान होते हैं वो जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 550 कंबल भी हम लोग आज यहाँ से 5 ट्रकों के माध्यम से रवाना कर रहे हैं। हम लोगों का लगातार वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। मुख्य रूप से राहत सामग्री जो प्री फैब्रिकेटेड अब घर बनाए गए हैं जहाँ लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत ना हो शुरुआती दिनों में, उसको ध्यान में रखते हुए सारी सामग्री प्रेषित की जा रही है। जो जोशीमठ में जो आपदा हुई है उसमें राहत सामग्री से जिला प्रशासन की ओर से जो है 2551 जो है राशन किट हैं और जो है 500 जो कंबल हैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी के वो हम जो है आज जोशीमठ भेज रहे हैं। इसमें जो 2551 फूड पैकेट है उसमें 1651 फूड पैकेट जो है हरिद्वार तहसील अंतर्गत जो है विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और जो है धार्मिक संस्थाओं ने जो है प्रदान किया है और जो 900 पैकेट हैं वो रुड़की तहसील द्वारा जो है तैयार किए गए हैं विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से और जो 500 ब्लैंकेट है वो हरिद्वार तहसील ने जो है यहाँ पर जो महाराज श्री कैलाशानंद जी हैं उन्होंने प्रदान किए हैं। तो इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर 2500 फूड पैकेट और 500 कंबल जो है आज जो है यहाँ से रवाना करेंगे 5 वाहनों के माध्यम से। इनमें प्रत्येक वाहन में जो है हमारे 2 PRD जवान भी जा रहे हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो है ये वाहन जो है आज स्टे करेंगे आधे रास्ते में और कल जो है जोशीमठ पहुंच जाएंगे। तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जोशीमठ के लिए राहत सामग्री को रवाना किया गया है। बता दें आपको कि ट्रक में भरकर राहत सामग्री को भेजा गया है। बता दें आपको कि इसमें कई समाज सेवी के लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये राहत सामग्री इकट्ठा करी और जिसके बाद ये राहत सामग्री लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो आपको बता रहे हैं जहाँ पर समाज सेवी और इसके साथ ही जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा केंदुरा ने ये भी जानकारी दी है कि हरिद्वार जिले की कई तहसीलों के अधिकारियों द्वारा
समाज सेवी और इसके साथ ही धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से राहत सामग्री को इकट्ठा किया था और आगे भी जरूरत पड़ी तो आपदा पीड़ितों की हर संभव को मदद मिलेगी। तो बता दें आपको, जोशीमठ के लिए सामग्री जो है उसको रवाना कर दिया गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया है कि जोशीमठ में जिन आपदा पीड़ितों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है उनके लिए ये राहत सामग्री भेजी गई है। और इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे सहयोगी इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार, जोशीमठ के लिए राहत सामग्री भेजी गई है, क्या क्या सामग्री में शामिल है और किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जोशीमठ आपदा में जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है और जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं जिनको वहां से विस्थापित किया गया है, कई अन्य सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है, उनके लिए जिला हरिद्वार प्रशासन की ओर से यहां पर राहत सामग्री 5 ट्रकों के माध्यम से यहाँ रवाना यहाँ से की गई है, जिसमें जो जरूरत का सामान है, चाहे कम्बल हो या फिर खाने पीने की वस्तुएं हो, तमाम जो चीजें हैं वो जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा कैंटुरा और जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने यहाँ हरी झंडी दिखाकर इन ट्रकों को यहाँ से रवाना किया है, जो यहाँ से आपदा प्रभावित पीड़ितों जो के लिए यहाँ से जो राहत सामग्री है वो लेकर यहाँ से जोशीमठ जाएंगे, जिसमें तमाम जो, चाहे हम तहसील हरिद्वार की बात करें या फिर तहसील रुड़की की बात करें, तमाम दोनों तहसीलें और तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से ये सामान जो यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, जिसके बाद इसको जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ से जोशीमठ के लिए रवाना किया गया है। जी बिल्कुल, इंतजार, अगर सामान के बारे में अगर कोई जानकारी हासिल हो पाई है तो इसमें कौन कौन से सामान जो है इसमें शामिल थे जिससे लोगों की मदद मिल पाएगी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि लगभग 2500 पैकेट यहाँ पर भोजन के जो सामग्री है, लगभग 15 किलो का एक बैग यहाँ पर तैयार किया गया है, जिसमें जरूरत की जो चीजें हैं, खान पीन की जो चीजें हैं, वो तमाम चीजें इस किट में यहाँ पर मौजूद है। लगभग 500 से के आसपास यहाँ से कम्बल जो है वो आपदा प्रभावित लोगों के लिए यहाँ पर, पीड़ितों के लिए यहाँ से जोशीमठ के लिए हरिद्वार से भेजे गए हैं। जहाँ इस मौके पर यहाँ पर जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा कैंतुरा, वहीं परिवहन विभाग के अधिकारी, तहसीलदार रेखा आर्या की बात कर लें, फिर उनकी तहसीलदार की हम बात कर लें, या फिर हरिद्वार के परिवहन विभाग की हम बात करें, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं इस समय पर, और तमाम जो चीजें हैं उनको सिक्योर कर यहाँ से 5 ट्रकों के माध्यम से जोशीमठ के लिए यहाँ पर रवाना किया गया है यहाँ से। जी जी, इंतजार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। चले रुक करते अगली खबर की ओर। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में मौजूद गंग नहर से एक युवक का शव बरामद होने से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि युवक बिरला घाट से गंगा में बहता हुआ नजर आया था, तभी एक गोताखोर की नजर उस पर पड़ी और आगे जाकर गोताखोर ने ही अमरापुर घाट पर युवक के शव को गंग नहर से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। मृतक युवक की जेब से एक पर्स और एयरफोन के अलावा कुछ सामान भी बरामद नहीं हुआ है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है। सीओ सिटी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया है कि मृतक युवक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार के ही बेरागी कैंप में गड्ढा खोदकर दबाई गई सरकारी दवाइयां और इसके साथ ही आपको बता दें कि बहादुराबाद के सरकारी अस्पताल से लाई गई थी और हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने इसका खुलासा किया है। और जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया है कि गड्ढा खोदकर निकाली गई खेप में दवाइयों से भरे 25 कट्टे निकले हैं और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपये आंकी गई है और मामले की जाँच तेजी से चल रही है और दवाइयों को गड्ढा कर दबाने में शामिल जेसीबी का ड्राइवर भी पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इसको लेकर ही मामले का खुलासा होगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें, कल हरिद्वार के ही बैरागी कैंप के क्षेत्र में ही गड्ढा खोदकर लाखों रुपए की सरकारी दवाइयां बरामद की गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसकी जानकारी मुझे दूरभाष पर ही किसी ने दी थी और उसके बाद तत्काल वहाँ SDM सदर को भेजा गया था। वहाँ पर सब जो डिगिंग की गई थी उसमें करीब 25 कट्टे निकले हैं और उसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 3 लाख के आसपास बताई जा रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे तक हो चुकी है
और जो जेसीबी का ड्राइवर था वो भी पकड़ा जा चुका है। साथ ही साथ जो प्रथम दृष्टया है ये बहादुराबाद पीएचसी का मामला प्रतीत हुआ है और सीमो को मैंने निर्देश कल ही दे दिए थे, उन्होंने कमेटी बनाई है, तो आज जितना स्टॉक है वो वेरीफाई हो रहा है और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी होगा शाम तक FIR दर्ज हो जाएगी। हरिद्वार में जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उद्योग और शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ही ऋण दिया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की भी स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के SRJN के उद्देश्य से योजना का संचालन सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना को 50 लाख और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक होगी और वही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत उद्यमशील उद्यमियों उत्तराखंड ऐसे प्रवासियों COVID-19 के कारण उत्तराखंड में वापस आए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर ग्रामीण बेरोजगारी आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम स्थापित कर सकेंगे और जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक पल्लवी गुप्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 450 बेरोजगारों को रोजगार देने का लक्ष्य था, जिसमें 400 लोगों को लोन स्वीकृत कर दिया गया है जबकि 350 लोगों को बैंक से पैसा मिल गया है, जिसमें 15% की छूट दी जाएगी और वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में 50 लाख तक रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं। यमकेश्वर के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा के पास महंत हरिचरण दास ने पहले तो बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से एक भवन का निर्माण कर दिया, जिसे क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की टीम ने दो बार सील किया, मगर कानून तोड़ते हुए महंत हरिचरण दास ने दोनों बार प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई सील को तोड़कर उसमें निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यही नहीं, भवन को होटल के रूप में संचालित करने के लिए अन्य व्यक्ति को किराए पर भी दे दिया। हरिचरण दास के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसने बगल में खाली पड़ी सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर लिया, जिस पर अवैध रूप से निर्माण भी कर दिया। जनपद पौड़ी के ही DM आशीष चौहान की नजर निरीक्षण के दौरान इस भवन पर पड़ी तो वो फिर से गए और उन्होंने अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए तत्काल सरकारी भूमि से अतिक्रमण को तोड़ने के निर्देश दे दिए, जिसके बाद क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की टीम JCB लेकर मौके पर पहुंची और सरकारी भूमि को अतिक्रमण तोड़कर कब्जा मुक्त कराया। प्राधिकरण के JE मनमोहन सेमवाल ने बताया है कि भवन को तीसरी बार सील किया गया और लक्ष्मण झूला थाना अध्यक्ष विनोद गुसाई ने बताया कि प्राधिकरण के JE की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संजय शर्मा जुड़ चुके हैं। संजय, बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण का काम जो है फलफूल रहा था, जिसके बाद अब बाबा का बुलडोजर भी चल गया है, क्या कहना चाहेंगे? संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको लक्ष्मण झूला से खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें आपको अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की JCB चली है। बता दें, जानकारी दे दें आपको कि इसको लेकर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से अवैध निर्माण चल रहा था, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। संजय शर्मा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, जी हाँ जी। संजय, बताया जा रहा है अवैध निर्माण पर यहाँ पर बुलडोजर चला है, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। लक्ष्मण झूला क्षेत्र के यमकेश्वर में जो है एक महाराज हरिचरण दास, जिन्होंने अपनी जमीन पर कुछ अवैध रूप से निर्माण किया, जो कि नक्शा भी पास नहीं था और साथ ही उन्होंने एक सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए, शिकायत करी तो उन्होंने सील कर दिया, लेकिन उन्होंने कानून को किनारे रखते हुए सील होने के बाद भी अपना काम निर्माण कार्य जारी रखा। उसके बाद वो आश्रम के नाम पर बनाई हुई जगह को उन्होंने होटल में तब्दील कर दिया। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
नगर निगम कोटद्वार द्वारा शहर में पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। हालांकि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई तरह के भेदभाव निगम के कर्मचारियों द्वारा देखने को मिले, जहां कुछ अतिक्रमणकारियों ने चालान किए और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ अतिक्रमणकारियों ने ऐसे भी तोड़ दिया है और इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने गई टीम को भी यहाँ पर खाली करवाया गया है। अन्य मार्गों से अतिक्रमण हटाया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम की तरफ से जो यहाँ पर गोखले मार्ग वालों को पहले ही सूचना मिल गई थी और साथ ही निगम के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण हटाते हुए भेदभाव भी किया गया और किसी के चालान 5,000 तो मेयर के चहेते पार्षद भाई का कैमरा चलने की वजह से मजबूरन 500 रुपये का चालान काटना पड़ा। आखिर पार्षद भाई पर इतनी मेहरबानी क्यों? और इसी खबर पर हमारे साथ नवीन जायसवाल जुड़ चुके हैं। नवीन, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। हेलो जी नवीन, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच पा रही है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैम हम बता दें, कोटद्वार से लगातार अतिक्रमण हटाने के जो मामला चल रहा था, आखिर से इसमें तुक ले लिया है द्वारे पे और लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है कोटद्वार से और ये जारी रहेगा पूरा। मैम जी नवीन, इसमें बताया जा रहा है कि जो चालान काटे गए हैं उसमें भी भेदभाव किया गया है, तो इसको लेकर भी थोड़ा जानकारी दीजिए। मैम जो प्रशासन चालान काटने पहुंचा था और इसमें पार्षद है, उसके खिलाफ कार्रवाई इसमें की गई थी, लेकिन चालान उनका काट के देखने को मिला है। जी नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। दस फरवरी 2023 से जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाले पीएम मोदी के ड्रीम एडवेंचर प्रोजेक्ट खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में ही प्रतिभाग हेतु उत्तराखंड की सदस्य स्क्रीनिंग टीम चीफ कोच विवेक पवार और इसके साथ ही प्रशिक्षण रविंद्र कंडाले सहित टीम कोऑर्डिनेटर संतोष सिंह की अगुवाई में ओली से गुलमर्ग को रवाना हुई और टीम उत्तराखंड के कोऑर्डिनेटर और स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के ही सचिव और संतोष सिंह ने ही बताया है कि उत्तराखंड के स्की टीम में ही ऑफिशियल सहित 33 पुरुष महिला एथलीट शामिल हैं, जो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक गुलमर्ग कश्मीर में होने जा रहे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में उत्तराखंड टीम की ओर से शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि गुलमर्ग में ही इस बार 9 इवेंट्स में देश के अलग अलग राज्यों में करीब 1500 एथलीट मौजूद रहेंगे। हालांकि गुलमर्ग नेशनल विंटर गेम्स के लिए प्रदेश सरकार और खेल विभाग सहित पर्यटन महकमे द्वारा प्रदेश के स्क्रीनिंग टीम के लिए आने वाली सहित ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं की है और उत्तराखंड विंटर गेम्स एथलीट खुद के लिए समिति संसाधनों और खर्चे पर खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स में भाग लेने जम्मू कश्मीर से गुलमर्ग आई। श्रीनगर 24 जनवरी से लापता व्यक्ति का शव पुलिस को ही यहां पर बताया जा रहा है कि बरामद हुआ है। ये भी जानकारी सामने आई है कि षड्यंत्र टापू के ही पास अलकनंदा नदी किनारे मिला है, जिसकी शिनाख्त डांग एठाणा निवासी राजेंद्र लाल के रूप में हुई है और पुलिस उपाध्यक्ष श्रीनगर गढ़वाल श्याम दत्त नोटियाल ने बताया है कि 25 जनवरी को डांग एठाणा निवासी राहुल कुमार द्वारा अपने पिता राजेंद्र लाल और जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और गुमशुदगी के बारे में तहरीर दी गई और राहुल द्वारा बताया गया कि उनके पिता 24 जनवरी सुबह 5 बजे घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं और गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर इनकी तलाश के लिए जिसे के ही समस्त थाना और प्रभारी डीसी आरबी पौड़ी को ही अवगत कराया गया था और गुमशुदा की तलाश के लिए काफी प्रयास किए जा रहे थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि स्थानीय पुलिस को किसी व्यक्ति ने फोन कर षड्यंत्र टापू के ही पास नदी किनारे किसी व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना दी और जिसके बाद सूचना पर टीम के साथ मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ द्वारा शव को नदी से निकाला गया। शव की शिनाख्त गुमशुदा राजेंद्र लाल के रूप में हुई है और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
इन दिनों पूरे जिले में स्वास्थ्य विभाग चमोली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अलख जगाने के लिए नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया हुआ है और इसी क्रम में ही पीडर घाटी के तीनों विकास खंडों में भी स्वास्थ्य विभाग चमोली के तत्वाधान में हिमालयन सांस्कृतिक समिति के कलाकारों ने नारायण बग्गड़ के ही कई स्थानों और विद्यालयों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर चमोली से है जहां पर जीजीआईसी नारायण बग्गड़ की छात्राओं ने एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण की है और जिसमें बालिकाओं ने अपने टीचरों से जिले के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कई स्थलों का दीदार कर उनकी ऐतिहासिक विशेषताओं के बारे में जानकारी हासिल की और हमने जब बालिकाओं से उनके इस भ्रमण के अनुभव के बारे में पूछा तो उन्होंने इसको लेकर ही बताया है कि उनका अनुभव साझा किया गया है और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जब शिक्षक अपने छात्र छात्राओं के लिए स्कूली किताबों की शिक्षा के साथ साथ बाहरी तौर पर भूगोलिक सांस्कृत और इसके साथ ही एडवेंचर धार्मिक और ऐतिहासिक चीज़ों के साक्षात्कार कराते हैं तो ऐसे में छात्र छात्राओं का अपनी धरोहरों के बारे में सीखने और जानने का उत्साह देखते ही बनता है। ललितपुर जिले में 25 जनवरी की रात को सदर कोतवाली अंतर्गत केलागुआ तिराहे के पास मौजूद एक मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए के मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी होने के मामले में पुलिस टीम ने तीन मोबाइल चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 80 मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं और पुलिस ने अनुसार बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मुकेश माणिक चंद्र और राजू जैन है, जिन पर अलग अलग जिलों में चोरी के मामले भी दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए 80 मोबाइल और कई चार्जर और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। खबर झांसी जिले के ही मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोट से सामने आया है जहां महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। नसबंदी शिविर के दौरान नसबंदी करने आए डॉक्टर ने नसबंदी से पहले बेहोशी के लिए दिए गए इंजेक्शन के बाद बेहोश महिलाओं को छोड़कर डॉक्टर भाग निकले, जिसे देख परिजन घबरा गए और परिजनों का आरोप है कि वो अपनी बहू की नसबंदी कराने आई थी, जिस दौरान उसकी बहू को नसबंदी से पहले दिए गए इंजेक्शन से उसकी बहू को बेहोश होकर दिया गया और डॉक्टर बिना ऑपरेशन किए 4 से 5 महिलाओं को बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग निकले। देखते ही देखते महिलाएं घबरा गई और करीब 3 से 4 महिलाएं बेहोश बताई जा रही हैं। मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर सुमित मिसुरिया ने जानकारी देते हुए ये पूरी जानकारी दी है। बदायूं के थाना उसहेत कस्बे में ही मंदबुद्धि युवक पर दबंगों ने लात घूंसे बरसाए हैं। वहीं युवक को सड़क पर गिराकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंदबुद्धि युवक को बच्चे तंग कर रहे थे, ये जानकारी सामने आई है, जिस पर मंदबुद्धि युवक ने चांटा मारा था और इसी का बदला लेने के लिए दबंगों ने मंदबुद्धि युवक को सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। फिलहाल मंदबुद्धि युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। घटना पूरी जो है सीसीटीवी में भी हो गई है। ने झांसी पुलिस अपर महानिरीक्षक जोगेंद्र सिंह आए और सर्किल के ही थानेदारों के साथ मीटिंग की, उन्हें दिशा निर्देश दिए गए, लंबित पड़ी विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें और गैंगस्टर के अपराधियों की सूची तैयार कर उन पर कार्रवाई करें, अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करें और उन्होंने महिला हेल्प डेस्क बैरिंग और इसके साथ ही मालखाने और पुलिस के आवासों का निरीक्षण किया और थाने में आए पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने की बात कही। वो थाने की साफ सफाई से खुश नजर आए हैं और इस मौके पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नेपाल सिंह और इसके साथ ही क्षेत्र अधिकारी बताया जा रहा है कि राजेश एस और कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह सहित सर्किल के थानेदार और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।